कांग्रेस शासित राज्यों में केंद्र सरकार षड्यंत्र रचकर वहां की सरकार को गिराने पर तुली है। कुछ ऐसे ही आरोप लगाते हुए सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेसियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेसियों ने डाक बंगले से रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मोदी सरकार का पुतला दहन किया। तत्पश्चात कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के जिला प्रभारी कुलदीप सिंह राजावत और शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन, देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एडीएम सिटी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के जिला प्रभारी कुलदीप सिंह राजावत और शहर अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि मोदी सरकार जिन प्रदेशों में कांग्रेस शासित सरकारें कार्य कर रही हैं, उनको जबरन अस्थिर करने की राजनीति केंद्र सरकार कर रही है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर जिला और देहात के साथ युवा कांग्रेस एनएसयूआई सहित कांग्रेस से संबंधित सभी लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार की हठधर्मिता पर अंकुश लगाने की मांग की है। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस शासित राज्यों की निर्वाचित सरकारों को जिस तरह का अस्थिर कर राष्ट्रपति शासन लगाने के संदर्भ में आज कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की सरकार की केंद्र सरकार बार बार लोकतंत्र के ऊपर प्रहार कर रही है, जनादेश की अपमान कर रही है, कांग्रेस इसका पुरजोर शब्दों के साथ विरोध करती है। भाजपा की सरकार बैठी है और जो हिटलर शाही से नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस शासित प्रदेशों को उनको उसमें अविश्वास मत लाने के लिए खरीद फरोख्त करवा के उन पे दबाव बना के जिस तरह की उन्होंने अपनी नीति अपना रखी है उसका हम घोर विरोध करते हैं। और आगामी समय में अगर उन्होंने ऐसा ही किया तो हमें सड़कों पे उतर के और आंदोलन करना पड़ेगा और देश की कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की करतूत सबके सामने आ गई है। अब उस चीज को छुपाने के लिए वो अपनी जो पूरी ताकत लगा रहे हैं, जिस तरह उन्होंने गुजरात में किया था उस तरह वो देश में करना चाह रहे हैं। देश की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आवेश में कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर लगे लोहे के गेट पर चढ़ने लगे। इस दौरान उन्हें काबू करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए।